हमारे जनजाति हमारे भारत देश में हो, वो तो हिंदू कल्चर से भिड़े हुए हैं। उनके संस्कृति हो, ट्रेडिशंस हो, कस्टम्स हो, एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ हिंदू कल्चर। उसी के कारण हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच फॉर्म करके देश में पूरा संस्कृति सुरक्षा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और थोड़े लोग भड़का रहे हम पार्ट ऑफ हिंदू नहीं है बोल के, लेकिन वो गलत है। इसलिए हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच से हम पूरे देश में काम करने के लिए आगे आए हैं। वनवासी कल्याण आश्रम पूरे देश में जनजाति समाज का सेवा करने वाला संगठन के रूप में सारा दुनिया जानती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास ऐसे विभिन्न प्रकार के काम कल्याण आश्रम विगत 70 वर्षों से कर रहा है। सेवा करने के साथ साथ कल्याण आश्रम जनजाति समाज को जो सरकारी सुविधा मिलती है या मिलनी चाहिए, इस संबंध में समीक्षा करते हुए जो सुविधाएं कानून के द्वारा प्रदत्त है वो मिलने के लिए विभिन्न प्रयास करते हैं। यह काम कल्याण आश्रम जनजाति हित रक्षा इस नाम से करते हैं। भुवनेश्वर में संपन्न हो रही है बैठक, देश में जो विभिन्न जनकल्याणकारी योजना सरकार की चल रही है वो जमीनी स्तर तक लोगों को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वनाधिकार, सामुदायिक वनाधिकार, पेशा के अंतर्गत मिलने वाली सारी सुविधा, ये सारे विषयों पर एक गहन चिंतन मंथन करते हुए आने वाले समय में यह सुविधा सरकार की जो दी है ये लोगों तक पहुँचे, इसलिए विभिन्न प्रकार के प्रयास कल्याण आश्रम ने करने का सोचा है। कार्यक्रम अच्छे जनजाति हित रक्षा पर समग्र भारतवर्ष वनवासी कल्याण आश्रम दीर्घ 1952 मसीह वनवासी मानकर सेवा करी आसुची। तेणु वनवासी क्षेत्र में जहाँ आज शिक्षा, स्वास्थ्य आउ संस्कृतिर सुरक्षा करने ये वनवासी कल्याण आश्रम समग्र जनजाति मानक मध्यरे ये सेवा कार्य करी आसुची। तेणु आज जनजाति भितर जो उपलब्ध होना तेणु समस्त उपलब्ध केमी हो पार से वनवासी कल्याण आश्रम सर्वांगीन विकास कार्य जनजाति जल, जमी, जंगल आउ वन अधिकार केमी समस्त प्राप्त हो पार से वनवासी कल्याण आश्रम ये प्रयासरत अच्छी।